तो पहुंच गए सब। दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए YouTube से जुड़ी हुई दो बड़ी अपडेट लेकर मैं आया हूं। इन दोनों अपडेट में आप ये जानेंगे कि आपके चैनल पर इन दोनों अपडेट का क्या कुछ असर पड़ेगा। पहली अपडेट के बारे में बात करें तो पहली अपडेट ये है कि अब से 24 से 48 घंटे के अंदर आपके YouTube चैनल पर बहुत सारे सब्सक्राइबर अचानक से कम हो जाएंगे, यानी कि अभी वर्तमान में आपके चैनल पर जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनमें से अचानक से बहुत सारे सब्सक्राइबर आपको गंवाने पड़ेंगे। और ये आपको 24 से 48 घंटों के बाद आपके चैनल पर अभी जितने सब्सक्राइबर है उतने सब्सक्राइबर आपको नजर नहीं आएंगे और बहुत सारे सब्सक्राइबर आपको वहां पर कम दिखाई देंगे। इसके अलावा जो दूसरी अपडेट है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन ये जो पहली अपडेट है इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है और ऐसा क्या कुछ होगा जिसकी वजह से आपके सब्सक्राइबर अचानक से कम होने वाले हैं। इसके बारे में अगर डिटेल से बात की जाए तो YouTube पर बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो या तो स्पैम चैनल है या फिर किसी भी कारणों से उनको टर्मिनेट कर दिया जाता है या सस्पेंड कर दिया जाता है, या फिर सीधे शब्दों में कहें तो बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो किसी भी वजह से किसी भी कारण के चलते उनको क्लोज कर दिया जाता है। हाल ही में 3 तारीख और 4 तारीख को बहुत सारे यूट्यूब चैनल को यूट्यूब ने क्लोज किया है। इस सिचुएशन में ये जितने भी चैनल हैं जिनको क्लोज किया गया है या टर्मिनेट किया गया है उनमें से जितने भी आपके सब्सक्राइबर थे वो सब्सक्राइबर आपके वर्तमान सब्सक्राइबर में से कम होने वाले हैं। अब इसको दूसरे और थोड़े आसान तरीके से समझते हैं तो मान लीजिए आपके चैनल पर आज की तारीख में आपको 15,000 सब्सक्राइबर्स नजर आ रहे हैं और इसमें से जो यूट्यूब के जो चैनल टर्मिनेट किए जाते हैं या जिन चैनल को यूट्यूब ने बंद कर दिया गया है उनमें से 50 आपके सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिनको YouTube ने टर्मिनेट किया है, वो अब आपके सब्सक्राइबर नहीं रहेंगे। यानी कि वो चैनल ही जब सस्पेंड कर दिया गया है या क्लोज कर दिया गया है तो सीधी सी बात है आपके सब्सक्राइबर भी यकीनन कम होंगे ही होंगे। YouTube की जो दूसरी अपडेट है उसमें सभी यूट्यूबर्स को फायदा होने वाला है। हालांकि जो पहली अपडेट है सब्सक्राइबर कम होने की वो यूट्यूबर्स के लिए बहुत तकलीफ देने वाली है, लेकिन जो दूसरी अपडेट है वो सभी यूट्यूबर्स के लिए थोड़ी राहत भरी है। राहत भरी इसलिए है क्योंकि जितने भी चैनल और जितने भी सब्सक्राइबर आपके कम होते हैं उनमें से जो वॉच टाइम आपने उन चैनलों द्वारा गेन किया है, जो वीडियो उन चैनलों ने और उन सब्सक्राइबर्स ने आपके वीडियो देखे हैं उनके द्वारा जो वॉच टाइम आपको मिला है वो वॉच टाइम आपका सलामत रहेगा। यानी कि आपके वॉच टाइम पर जो आपके सब्सक्राइबर कम होते हैं उसका किसी तरह से कोई असर नहीं पड़ेगा। तो फिलहाल ये दो अपडेट YouTube की तरफ से बड़ी थी जिसके बारे में हमने आपको इस वीडियो में बताया है। उम्मीद करते हैं ये जानकारी और वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही टेक्नोलॉजी से जुड़ी सभी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें, साथ ही ऑल का ऑप्शन भी सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उन्हें सबसे पहले देख सकें। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात किसी नई जानकारी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम।